व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी नेता रमेश गुप्ता, योगेंद्र कुमार दुबे, मणिनाथ गुप्ता, संजय सिंघानिया सहित विभिन्न व्यापार संगठनों से जुड़े व्यापारी मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एसपी क्राइम से व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उसके निस्तारण की बात कही तथा कहा कि व्यापारियों की सभी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बख्शी जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, आपकी लेटर की नहीं सुन रहा तो हमारी आप सुनेंगे वो मतलब आपके गया तो लेना चाहिए ना, पर आप कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? नहीं, विचार नहीं, प्रश्न ये है इसको जो है, अरे थाने में मैं बैठा था रात घाट में, नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं? आप नोडल अधिकारी है, आपने भी कहा और आपने पत्र लिखा, उसका तवज्जो उन्होंने नहीं दिया। हमारा सिर्फ यही सुझाव है आपसे कि आप उसको उनसे वार्ता करें कि वो आखिर उसमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं मीटिंग कर रहे हैं? इतनी तारीख को पत्र किया, अभी तक आपने जो है कोई जो है संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान में लिया महानगर के जितने थाने, लेकिन व्यापारी बीच में व्यापारी सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप के जरिए सब स्टाइल पर सब होट में हुआ, मुझे जाना नहीं, वो तो है सापुर में हुआ था, हम भी गए थे हुआ और जहां भी हुआ है। जी महोदय, डीजीपी महोदय के आदेशानुसार ये प्रत्येक माह व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें व्यापारी बंधुओं की जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, खास तौर से जो व्यापार से संबंधित होते हैं, उसके बारे में हम लोग पिछली मीटिंग में क्या बातें आई थी, फिर उसका क्या समाधान हुआ, कौन से मामले का समाधान नहीं हुआ, उसी बारे में चर्चा करते हैं, नई बातें क्या आई हैं। तो ये जो आज ये गोष्ठी हो रही है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित गोष्ठी है, तो कुछ निर्णय लिया गया इसमें कुछ? यहाँ कार्रवाई हो रही है।